हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम इस क्लास में हम आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्लॉटर क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इस बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। प्लॉटर एक प्रकार की मशीन होती है जिसको बड़े स्तर पर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जिसे बैनर, फ्लेक्स हो गए, इस प्रकार के प्रिंटर तरह की प्रिंट प्लॉटर के माध्यम से की जाती है। हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहला प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर के समान होता है। प्लॉटर का उपयोग वेक्टर ग्राफिक को प्रिंटर या छापने के लिए किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग आमतौर बड़े आकार के नक्शे, ग्राफ, पोस्टर, चार्ट, 3D प्रिंटिंग आदि के लिए किया जाता है। सामान्य प्रिंटर की तरह कागज पर प्रिंट करने के लिए डॉट्स के स्थान पर श्रृंखला या टोलर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्लॉटर में पेंच, मार्कर या किसी अन्य लेखन उपकरण का इस्तेमाल कागज पर निरंतर लाइन को खींचने के लिए किया जाता है। प्लॉटर किसी भी छवि को प्रिंट करने में समय लेता है। प्लॉटर को बड़े आकार या अजीब दिखने वाली आकृति को प्रिंट करने के लिए 1 घंटे तक का समय लग सकता है। अगला, प्लॉटर का आविष्कार किसने किया? प्लॉटर का आविष्कार 1953 में रेमिंगटन रेंड ने किया था। इसका उपयोग यूनिवेक कंप्यूटर के लिए के साथ तकनीकी चित्र बनाने के लिए किया गया था। पहला कंप्यूटर एडेक डिजाइन CAD के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल होता था, लेकिन वाइड फॉर्मेट प्रिंटिंग आने के बाद इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगला, प्लॉटर में कितने प्रकार के होते हैं? प्लॉटर मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। ड्रम प्लॉटर, फेड ब्लेंड प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर, पेन प्लॉटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। हम पढ़ते हैं ड्रम क्या होता है। आप चित्र देख सकते हैं। ड्रम प्लॉटर एक ऐसा प्लॉटर होता है जिसे एक ड्रम होता है और इस ड्रम के अंदर कागज को प्रिंट करने के लिए रखा जाता है। इसमें प्रिंटिंग के दौरान कागज को दाएं और बाएं और घुमाने के लिए ड्रम रिवॉल्वर का उपयोग किया जाता है। ड्रम प्लॉटर में छपाई के लिए पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेन अलग अलग रंगों की होती है, इसकी वजह से रंगीन या कलरफुल प्रिंटिंग करता है। चित्र में देख सकते हैं आप। अगला है फ्लैट बैंड प्लॉटर, एक ऐसा प्लॉटर था जो कागज को प्रिंट करने के लिए सपाट सतह, चित्र देख सकते हैं, का इस्तेमाल करता है। फ्लैट बैंड प्लॉटर की सतह सपाट होती है। इस तरह की कागज को रखा जाता है जिससे बाद पेन की मदद से चित्रों ग्राफिक को कागज पर प्रिंट किया जाता है। फ्लैट बैंड मॉनिटर में एक पेन X और Y दोनों अक्षों में चलता है। इस प्लॉटर में कई आकार और कई रंगों के उपलब्ध होते हैं। फ्लैट बैंड प्लॉटर 60 इंच तक कागज को पेंट करने में सक्षम होते हैं। यह कागज की छपाई के अलावा प्लास्टिक, कार्डबोर्ड या धातु जैसी चीजों को भी छपाई कर सकता है। यह काफी महंगे होते हैं जिसका आकार अन्य प्लॉटर की तुलना में बड़ा होता है। सबसे पहला फ्लैट बैंड प्लॉटर कार्ल कैंप मॉडल 738 था, जिसे 1970 के दशक में बनाया गया था। अगला है इंकजेट प्लॉटर। इंकजेट प्लॉटर ग्राफिक और चित्रों को प्रिंट करने के लिए कागज पर स्याही की बूंदों को छिड़काव करता है। यह प्लॉटर ग्राफिक डिजाइनर और विज्ञापन एजेंसी के लिए एक लोकप्रिय है। ज्यादातर इंकजेट प्रिंटर रंगीन होते हैं जो 4 कलर की स्याही, क्रियोन, मैजेंटा, पीला और काला का इस्तेमाल करते हैं। इंकजेट प्लॉटर अन्य प्लॉटर की तुलना में सबसे अधिक गुणवत्ता हाई क्वालिटी वाले ग्राफिक को प्रिंट करते हैं। यह प्लॉटर भी काफी महंगे होते हैं जो कि अलग अलग आकार में होते हैं। अगले हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लॉटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक प्लॉटर को ग्राफिक डिजाइन के बजाय रोस्टर ग्राफिक का उपयोग करके कागज पर छपाई की जाती है। इसमें टोनर साइम उपयोग करके कागज पर ग्राफिक को प्रिंट किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, उन्होंने चित्र भी दिए हुए हैं जिससे आपको आसानी हो। अगला है पेन प्लॉटर। पेन प्लॉटर में कई प्रकार की स्याही होती है जो पेन के अंदर भरी होती है, जिसका इस्तेमाल ग्राफिक और चित्रों को अलग अलग रंगों से प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह प्लॉटर उच्च गुणवत्ता वाला ग्राफिक को प्रिंट करने के सक्षम होते हैं। यह प्लॉटर चित्रों को कागज, प्लास्टिक जैसी शीटों पर प्रिंट कर सकता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर की तुलना में सस्ते होते हैं, इसकी तुलना अच्छी क्वालिटी की ग्राफिक प्रिंट करती है। अगले हैं प्लॉटर के कार्य। प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के चार्ट, ग्राफ, चित्र, मानचित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर के प्रयोग से बैनर, पोस्टर आदि को छापे जा सकते हैं। प्लॉटर की सहायता से 3D प्रिंट भी किए जा सकते हैं।
अगला है प्लॉटर के लाभ। प्लॉटर की सहायता से डाटा कागज पर किसी बड़े शीट पर प्रिंट किया जा सकता है। प्लॉटर बड़े कागज में भी हाई क्वालिटी और रेजोल्यूशन के साथ प्रिंट करता है। प्लॉटर स्टील, कार्डबोर्ड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, प्लाईवुड और लगभग किसी भी फ्लैट शीट पर सामान्य शीट सामग्री पर प्रिंट कर सकता है। सभी पैटर्न और टेम्पलेट्स प्लॉटर डिस्क पर सेव किया जा सकता है, जिससे एक ही पैटर्न को और टेम्पलेट को बार बार लोड कर सकते हैं। लोड करने की समस्या खत्म हो जाती है। प्लॉटर की मदद से एक ही पैटर्न को हाई इमेज क्वालिटी के साथ हजारों बार प्रिंट किया जा सकता है। हर चीज के फायदे होंगे तो नुकसान भी होंगे, तो प्लॉटर के कुछ नुकसान दिए हुए हैं। सामान्य प्रिंटिंग तुलना में प्लॉटर का आकार बहुत बड़ा होता है। इसके सीमित स्थान पर प्लॉटर का उपयोग करने में कठिनाई होती है। प्लॉटर सामान्य प्रिंटर से महंगे होते हैं। प्लॉटर छवि को प्रिंट करने में अधिक समय लेता है। बहुत बार पूछा गया है प्लॉटर और प्रिंटर के बीच अंतर, तो आप देख लीजिए। जिस तरह से कंप्यूटर में से हार्ड सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, उसी तरह हार्ड कॉपी को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जा सकता है, जिसके कारण बहुत से लोगों को प्लॉटर और प्रिंटर में अंतर नहीं पता होता है। लेकिन प्लॉटर और प्रिंटर में कई अंतर हैं। इस प्रकार सभी प्लॉटर एक प्रिंटर होते हैं, लेकिन सभी प्रिंटर प्लॉटर नहीं हो सकता। लाइन के माध्यम से इमेज को ड्रॉ करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रिंटर में इमेज और डॉट्स के माध्यम से ड्रॉ किया जाता है। प्लॉटर के माध्यम से बड़े आकार के इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर के माध्यम से बड़े आकार के इमेज ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें अपना वेरिएबल कमेंट बताएं। किसी प्रकार कोई परेशानी हो रही है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर हम कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाते हैं, निशुल्क और सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए।